कार में हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन सारण सीट से। इस बार इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं सजदानंद राय, हालांकि बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने इनका पत्ता साफ कर दिया, टिकट काट दिया। सो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सजदानंद राय होंगे, जो कि आज अब नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने आपका पत्ता काटा, टिकट नहीं दिया, आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया में कितने कॉन्फिडेंट हैं आपकी जीत होगी? आप देखिए, आपने देखा होगा मैं ये चुनाव किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ। ये चुनाव, ये जो पंचायती राज प्रतिनिधि के सदस्य हैं जिनको जनता ने चुना है, वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ने के बिल्कुल पक्ष में नहीं था, लेकिन परसों मेरे ऊपर इतना दबाव जनप्रतिनिधियों ने बनाया कि क्या मैं एक विकल्प भी नहीं दूंगा। इनके हिसाब से मेरा ये कहना नहीं है। कई लोगों ने कहा कि दोनों पार्टियों ने, भाजपा ने भी और राजद ने भी, दो बंद डमरुओं को, दागी लोगों को टिकट दिया, तो क्या मैं एक विकल्प के रूप में खड़ा नहीं हो सकता? हमारे परसों रात को एक मुखिया आए, रो कर कहा कि सर आप केवल खड़ा हो जाइए, बाकी छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। तब जाकर परसों रात को मैंने निर्णय लिया 10:30 बजे कि अगर इतना है ऐसी भावना लोगों की है तो मैं जरूर एक विकल्प देने का प्रयास करूंगा। क्या बीजेपी ने दागी उम्मीदवार को टिकट दिया है? यह पता कर लिया, मैं जो सुना हूँ कि बीजेपी राजद के दोनों उम्मीदवार जो हैं वो घोटालेबाज हैं। आप कद्दावर नेता रहे हैं और अरसे से बीजेपी के लिए संगठन में भी काम करते रहे हैं, यहाँ तक कि बिहार ही नहीं बंगाल तक ने अपने सेवाएं दी हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? क्या लगता है, क्या हुआ होगा? क्या पता अगर मुझे लग जाए तो सबसे पहले मैं ही विथड्रॉ कर जाऊँगा कि भाई ठीक है, हमसे कोई गलती हो गई है। लेकिन कोई बताने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक सांसद महोदय जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा पार्टी ने निर्णय लिया है। अब एक बार भी नहीं बता पाए कि कौन पार्टी का मतलब क्या होता है, वो कौन व्यक्ति है जो पार्टी चला रहा है, जिसने निर्णय लिया है और किन कारणों से मेरा टिकट काटा गया है। खैर, इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं रहा, इसलिए कि मैं जिनके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ वो जब मेरे पक्ष में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पार्टी मुझे सिंबल दे या नहीं दे। मतलब कि पंचायत प्रतिनिधि आपके साथ हैं। सबके सब जनप्रतिनिधि है, इसमें दो चार मेरे मित्र होंगे जो जनप्रतिनिधि नहीं है, वरना सारे मेरे मित्र जनप्रतिनिधि भी हैं। ये सब एक एक वोट है। अच्छा, जो हॉल में आए हुए सारे एक एक वोट है। देखिए, जिस हॉल में हम मौजूद हैं, थोड़ी देर बाद सजदानंद राय जो हैं वो नॉमिनेशन करने जाएंगे, और ये बता रहे हैं कि जिस हॉल में मौजूद हैं वो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।